तो महाप्रस्थान के कवि ने अपनी द्रौपदी के मुँह से कहलाया है कि जो भी युधिष्ठिर की पत्नी होती उसे इन दुर्भाग्यों का सामना करना ही पड़ता। मैं रुक गई और सोचने लगी, हमारी जो पारंपरिक नायिका है वो इस तरह से जो कह रही है, क्या ये कवि की कल्पना है या महाभारत में सचमुच ऐसा कहा गया है। ये जानने के लिए मैंने महाभारत उठाया और उसको पढ़ा और जाना कि नहीं, ये कवि की कल्पना नहीं है, व्यास ने अपनी मानस कन्या के मुँह से ये बातें कहलाई। देखिए, होता सबके साथ बहुत कुछ है लेकिन सब उसको सीधे सीधे सहते जाते हैं, लेकिन हमारी द्रौपदी ने ये कहा तो बस मेरे मन में इतनी उत्सुकता जागृत हो गई कि मैं इस चरित्र को जानूं और समझूं। और उसी क्रम में मैंने देखा कि इनके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए जाते हैं। कहा जाता है कि युद्ध हुआ तो द्रौपदी के कारण हुआ, या वो बड़ी एरोगेंट थी, या आदि आदि। तो अपनी किताब में मैंने कोशिश ये की है कि जो मिथ्या आरोप उन पर लगे हैं, उनकी जो एक इमेज बनाई गई है, उस इमेज को मैं ज़रा साफ करने की कोशिश करूं। और हुआ ये कि उसका जो बहुपतित्व है, जो उसके चरित्र की एकदम एक अनूठी विशेषता है, उस बहुपतित्व के भीतर जब मैं उतरने लगी तो मेरे सामने आ गया 5000 साल पहले का समाज, जिसमें आदिवासी समाज में बहुपतित्व प्रचलित था। और उसको खंगालते खंगालते मैंने देखा कि द्रौपदी का बहुपतित्व और आदिवासी बहुपतित्व में बहुत बड़ी समानता है। और मेरी जो यह सोच थी वो मुझे इस बिंदु तक ले गई कि हो न हो द्रौपदी का संबंध इस समाज से है। तो और फिर मैंने उस पर और आगे शोध किया तो मैंने देखा कि वो महाभारत में वो पाई जाती हैं, वो और उसका भाई धृष्टद्युम्न यज्ञ की वेदी पर, यानी इनका संबंध अरण्य में रहने वाले लोगों से है क्योंकि अरण्य में पाई गई है। तो एक ये बात। फिर उसका जो सांवला सौंदर्य है जो आर्य सौंदर्य से अलग है, और इस बहुपतित्व को जितनी अच्छी तरह निभा ले जाती हैं, वो जरा भी सहमती नहीं है जैसे आजकल के नए लेखकों लेखिकाओं ने या लेखकों ने दिखाया है कि ये उसका शोषण है। महाभारत कहता है ये शोषण नहीं है, उसके मन के अंदर वही बात है जो आदिवासी समाज में थी कि जितना बड़ा पतियों का समूह उतनी बड़ी प्रतिष्ठा, और 5 वीर पतियों को पाने से वो बड़ी प्रफुल्लित है। शादी के बाद जब पहली बार वो आती हैं और कुमार ग्रह के अंदर सोती हैं अपने पतियों के और सास के साथ, वो दृश्य उसके मन का आईना है। तो मैंने अपने गुरुजी डॉक्टर बांदीवडेकर से कहा, सर मेरा रिसर्च कह रहा है कि ये आदिवासी कुल की कन्या है, तो क्या मेरे एक्सपर्ट इस बात को मानेंगे? सर ने कहा, क्यों नहीं मानेंगे, आपने जो प्रमाण दिए हैं वो इतने पुख्ता हैं कि उन्हें मानना पड़ेगा। सर की इस बात से मेरा हौसला बढ़ा और जो कुछ मैंने सोचा था उसको मैं लिखती हूँ। बस ये द्रौपदी, जैसे कि लोहिया जी ने कहा है कि हमारे भारत की जो प्रतीक पात्र है वो सीता नहीं है, वो द्रौपदी है। मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और हो सकता है इस किताब को देखते देखते शायद आप लोग भी उससे सहमत हो जाएं। धन्यवाद।